बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इरहाज ब्लॉग। आज आपको मैं एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताने जा रही हूँ जिससे आपके हाथों की, पाँव की और ये जो कालक होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस ये आलू के एक पीस के साथ एक ऐसा मेडिकल किस्म का टोटका बनाने जा रहे हैं जिससे आपके हाथ पाँव बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे और ये इतना नेचुरल और अच्छा तरीके से वाइट हो जाएगा कि कहीं से भी ऐसे नहीं लगेंगे कि आपने क्रीम यूज़ की है, ना ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने बाहर से यूज़ की हो, बाहर से मंगवाई हो, और इसकी चीज़ें भी बिल्कुल घर में मौजूद होंगी। देखिए, ये आपने चीनी, चीनी आपको पता है कि ये वाइटनिंग के लिए कितना ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी है के लिए यूज़ होती है। चीनी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैल को जड़ से निकालती है, ठीक है। आपने घर में मौजूद आम चीनी ले लेनी है। इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हैं जिससे आपकी एक तो वाइटनिंग होती है, ग्लोइंग होती है, और जो काले धब्बे जम गए होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। कॉफ़ी का भी आपको पता है कि कितनी वाइटनिंग करती है। और इसके बाद पेस्ट, पेस्ट कोई भी ज़बरदस्त किस्म की आपने अच्छी सी ले लेनी है और आपने अपनी रेमेडी को तैयार करना शुरू कर देना है, ठीक है। आलू, आलू आपने एक इतना सा पीस लेना है, उसको अच्छी तरह से पील करके धो लेना है। इसके बाद कट ज़रूर लगाने हैं ताकि इनका रस निकलता रहे, ठीक है। आपको मैं यूज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। ये आपने कट ज़रूर लगाने हैं, अच्छी तरह से कट लगा लें, कांटे के साथ लगाएं। फोर्क यूज़ नहीं करना तो आप छुरी ले लें, उससे गहरे गहरे से कट लगा लें ताकि जो उसका रस होता है वो निकल आए, ठीक है। इसके बाद आपने इसके ऊपर चीनी डाल लेनी है। चीनी और ये जो आलू, ये आपस में जो कम्बिनेशन बनाएंगे ना, तो माशाल्लाह जो आपकी वाइटनिंग आएगी, जो आपके हाथ में सफ़ेद होंगे ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी का आपको पता है कि कितना ही ज़बरदस्त चीज़ है आपकी ग्लोइंग के लिए, आपकी वाइटनेस के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए। इसके कितने फ़ायदे आप खुद भी जानते होंगे। आप अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि कितना इस्तेमाल होती है ये वाइटनिंग के लिए, इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मुझे लगता है कि कॉफ़ी तो हर घर में ज़रूर होनी चाहिए। इसके ऊपर कॉफ़ी डाल लें। इसके बाद पेस्ट, ये नहीं है कि आप यही वाली इस्तेमाल करें जो मैं कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने पेस्ट का थोड़ा सा वो ले लेना, थोड़ी सी, मतलब इतनी आप अगर इसको मतलब पाँव पर भी आपने इस्तेमाल करें तो आप अगेन भी इसको बना सकते हैं। ये ऐसी कुछ पीस में नहीं है जो आप बार बार ना बना सकते हो। सर्दियाँ आ रही हैं तो हम धूप पे बैठते हैं ज़्यादा, उससे जो हाथ पाँव बहुत काले हो जाते हैं, उसके लिए बेस्ट रेमेडी है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, हमारे हाथों के ये वाले हिस्से काले हो जाते हैं, बस ये देखिए। इस तरह आपने, ये आपकी अब रेमेडी तैयार है। आपको ज़रा थोड़ा सा हाथ को इस्तेमाल करना होगा क्योंकि आलू पर एकदम वो चिपकेगी नहीं, तो आपने थोड़ा सा इसको करना होगा, हो जाएगा फिर फौरन, क्योंकि चीनी का अपना भी एक शीरा सा या पानी निकलता है। इसके बाद कॉफ़ी भी जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। ये देखिए, इतनी ज़बरदस्त है ना ये रेमेडी, मैं बताते हुए बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है। ये देखें बस, ये अब आपने इस तरह से लेके ना इसको अच्छी तरह से हाथ पर लगा लेना है, हाथ पाँव पर। हमारे बड़े कहते थे आप कोई भी फल खाओ आधा लगाओ, या कोई भी सब्जी हो तो उसको आधा खाओ आधा लगाओ। अगर आप हर मौसम की सब्जी या हर मौसम के फल को सही तरीके से, ये नहीं है कि बस ऐसे ही अप्लाई कर देना, सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपके चेहरे को किसी फेशियल, किसी बाहर के प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके स्किन ऐसे ही इतनी ग्लो करेगी और दूर से पता चलेगा कि ग्लो हो रही है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल होती है। ये देखिए, अब हमने इसको मज़ीद बार बार साथ के साथ कट लगानी है, ठीक है। बार बार फोर्क के साथ इसलिए बेस्ट रहता है कि उस आलू टूट सकता है, कुछ हो सकता है, तब आप जब छुरी के साथ जब आप करते हैं, ठीक है, जब फोर्क के साथ क्या वो टूटता नहीं है। ये देखिए, साथ साथ कट लगाते जाएं और उसके जूस के साथ अच्छी तरह से मसाज करते जाएं। आप डेली भी कर सकते हैं इसको, आप इसको हर दूसरे दिन भी कर सकते हैं। अगर आप जॉबियन हैं, आप स्कूल के पढ़ते हैं, आप कॉलेज पढ़ते हैं, आप हफ्ते में संडे के संडे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको ज़रूर करना है। सर्दियों में इंशाल्लाह ऐसा फ़ायदा होगा, एक दफ़ा से ही आपको वाजिया रिजल्ट महसूस होगा और आप इसको अगेन एंड अगेन करेंगे। बस इसको आप साथ जब भी आप करें, आपने साथ चीनी रख लेनी है, एक उसमें साथ वो रख लेनी है। ये देखिए, इधर भी आप इसको यूज़ करें, ऐसे ही आप इसको एड़ियों पर भी यूज़ करें, इसके अलावा कोनियों पर यूज़ करें, इसके अलावा इसको नेक पर यूज़ करें,
इसलिए मैं आपको नहीं कह रही, क्योंकि फेस की स्किन सेंसिटिव होती है। ये देखिए, साथ साथ बस कट लगाते जाएं, एक कटोरी में कॉफी एक में चीनी रखते हैं, साथ साथ हल्का हल्का डिप करके साथ साथ लगाते जाएं। इंशाल्लाह इतना जबरदस्त इफेक्ट होगा ना कि आप मुझे दुआ देंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर आपको कोई भी रेमेडी रेसिपी कुछ भी जरूरत हो तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये यूज करके ना एक दफा तो आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखिए, इन जगहों पर जरूर आपने रगड़ रगड़ के लगाना है। पहले आप इसको हाथ और पांव पर इस्तेमाल करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको फेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर है तो आप इसकी चीनी स्किप कर सकते हैं। आलू तो लाजमी एक दफा फेस पर अप्लाई करें, इतना जबरदस्त रिजल्ट आएगा कि आप बार बार करेंगे। ये देखिए, इन जगहों को अक्सर लोग भूल जाते हैं, बाकी हाथ पे क्रीम लगा ली हर कुछ कर लिया, ये जगह भूल जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है।